नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, सभी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड या दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड है, आपको जो जो एकदम मतलब आप बोल सकते हो करेक्टर है, वो आपका बहुत अच्छा है। बैंक से लेन देन आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का लोन। या दोस्तों जरूरत पड़ने पर पैसे के लिए भटकने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। मोदी सरकार ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च कर दिया। मोदी सरकार बार बार स्कीम यहाँ पे लॉन्च करती रहती है। दोस्तों फाइनली यहाँ पे मोदी सरकार ने एक और स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर दी है। जाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, फिर आप बोलोगे दोस्तों बाद में यार आपने पूरी खबर नहीं बताई। दोस्तों मैं तो पूरी खबर बताता हूँ, मगर आप लोग यार पूरी खबर देखते नहीं यार, तो ऐसा कैसे काम चलेगा यार। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, पूरी खबर को देखना, अगर आपको सही सही जानकारी पानी है कि लोन कैसे मिल सकता है, वो सारी चीजें कैसे काम करती है, कौन सी स्कीम यहाँ पे नई लॉन्च हुई है। मगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भारत की खोज है दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी। अगर आप दोस्तों सही आप में से मतलब जो बंदे सही सही जवाब देते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का, नीचे मुझे कमेंट में तो रैंडमली सिलेक्ट करके हमारी टीम हमारे चैनल की तरफ से उन्हें मिल सकता है सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों गिफ्ट आपको हमारा ऐसे नहीं मिलेगा, आपको वीडियो के नीचे लाल कलर वाली सब्सक्राइब वाली बटन मिल जाएगी, आपको उस बटन को दबा देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को जरूर से ऑन कर लेना है, जो नन्ना मुन्ना सा पैरा बेल आइकन यार फटाफट इसे ऑन कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे गिफ्ट जीत सकते हो। और दोस्तों जो न्यूज वाली थी, जो न्यूज वाला सिस्टम था, मैंने आपको बताया था कि आप लोन कैसे ले सकते हो, इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो बड़ा स्टार्ट कर लेता हूं, देखते हो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का लोन। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे नई दिल्ली, अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करते हैं, मतलब मेरे कहने का ये है अगर आप बैंक से मतलब लोन वगैरह लेते हो वो आपने समय समय पे पहले भरा है, तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। हालांकि पर्सनल लोन अमाउंट इस बात से भी तय होता है कि आपकी सैलरी कितनी है। दोस्तों आपकी सैलरी कितनी है इस बात पर बहुत सारा डिपेंड करता है, पर्सनल लोन आपकी किस वजह से हो सकता है, तो आप यहाँ पे आगे भी पढ़ सकते हो। पर्सनल लोन के साथ सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि पर्सनल लोन का इस्तेमाल अपनी कोई भी जरूरत पूरी करने के लिए आप कर सकते हैं। बैंक इसके लिए कोई किस्त कोई शर्त यहाँ पे नहीं जन रखती है। अगर आपको कोई भी इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए चाहिए, या फिर आप कोई खरीदारी करने के लिए पैसे चाहिए, आपको कुछ भी करना हो तो डाउन पेमेंट करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। पर्सनल लोन आपकी सीधी जरूरत है वो पूरा करने के लिए ही होता है। आप पर्सनल लोन 3 से 5 साल की अवधि में यहाँ पे मंथली किस्तों द्वारा चुका सकते हैं। आप पर्सनल लोन 3 से 5 साल की अवधि में जो किस्त होती है उनके माध्यम से यहाँ पे आप चुका सकते हो। आमतौर पर बैंक NBFC कंपनियां 10 से 18% ब्याज सालाना यहाँ पे लेती है। पर्सनल लोन बैंक आपकी जो रीपेमेंट होती है कैपेसिटी होती है उसके आधार पर भी यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो खुद ही, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। जरूरत पड़ने पर पैसे के लिए भटकने की जरूरत भी आपको यहाँ पे नहीं पड़ती है। मेट्रो शहरों में खर्चे ज्यादा होते हैं और सेविंग कम होती है। दोस्तों मेट्रो शहर है उनमें खर्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं यार, मगर सेविंग कम होती है। ऐसे में कई बार पैसों की जरूरत पड़ने पर या तो आपको अपनी सेविंग का पैसा खर्च करना पड़ता है या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार लेने पड़ते हैं। अगर आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती है तो पर्सनल लोन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। पर्सनल लोन से पहले इन बातों का बहुत दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों आपको इन बातों का बहुत ख्याल आपको रखना ही चाहिए अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि पर्सनल लोन बिना जरूरत के लिए भी आप ले लें। आपको पर्सनल लोन तभी लेना चाहिए जब आपको वास्तव में पैसों की जरूरत होती है, नहीं तो फिर ऐसा होता है कंपनी को आपसे विश्वास यहाँ पे उठ जाता है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ सकते हो, चेक कर लें अपनी क्षमता, आपको अपनी क्षमता को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए लोन लेने से पहले। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे याद रखें कि आपको पर्सनल लोन 3 से 5 साल की अवधि में चुकाना ही पड़ता है। ऐसे में आपको उतना ही पर्सनल लोन लेना चाहिए जितनी कि आपकी EMI मतलब आपकी किस्त यहाँ पे भर सकते हो। मोदी सरकार दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे यार स्कीम निकालती रहती है। दोस्तों ऐसी स्कीम जानने के लिए, ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।